जाने अनजाने में की गई गलती की जेल में सजा काट रहे बंदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए कुमाऊं की सबसे बड़ी जेल हल्द्वानी में जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। हल्द्वानी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य की पहल पर जेल प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। जिम से जेल में बंद कैदियों द्वारा 8 टीमें बनाई गई है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों का आयोजन जेल परिसर में अक्सर होता है। इसी क्रम में इस समय जेल परिसर में शीतकालीन खेलों के अंतर्गत जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। जिम से 8 टीमों के बीच रोजाना मैच होंगे और जनवरी के प्रथम सप्ताह में GPL का फाइनल मैच खेला जाएगा। खेल का मकसद बंदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखना है ताकि उनके मन में अच्छा विचार आ सके। प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल जो है इस कारागार में आयोजित किए जाते हैं। इसमें वॉलीबॉल है, कैरम है, चेस है, इसके साथ साथ एक क्रिकेट प्रतियोगिता जिसे हम JPL कहते हैं, जेल प्रीमियर लीग, वो भी ग्रीष्मकालीन और शीतकाल में इस कारागार में आयोजित की जाती है। और इसमें इस बार लगभग 8 टीमें जो हैं इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और अभी लीग मैच चल रहे हैं और जनवरी के प्रथम सप्ताह में हमारा फाइनल मैच कराने का विचार है। मकसद क्या है इसका? इस जेल में खेल के आयोजन का मतलब है, मकसद हमारा कि हमारे जो बंदीगण हैं वो शारीरिक रूप से फिट रहें, साथ साथ मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहें, फिट रहें, ये इस खेल के आयोजन का मकसद है।